कभी कभी हम छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि बड़ी मुसीबतों का अंदाजा भी नहीं लगा पाते। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उद्धव ठाकरे और संजय राउत इन दिनों जश्न मना रहे हैं और खुशी में फूले नहीं समा रहे हैं। उनका ये कहना है कि एकनाथ शिंदे सरकार जो है वो गिर जाएगी, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अब पलटवार कर रहे हैं, उसे साफ पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेला होने वाला है, जैसे कि पिछले साल जून में हुआ था। जो शिंदे उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे से 40 विधायकों को लेकर असम पहुंच जाता है, वो शिंदे क्या इस वक्त मात खा जाएगा? आपको क्या लगता है? शिंदे ने उद्धव ठाकरे के बयानों पर चुन चुन कर जवाब दिया है और खबर तो ये भी आ रही है कि कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के 9 और विधायकों को तोड़ेंगे। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं उद्धव ठाकरे के उस बयान से जिसके बारे में चर्चा काफी हो रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे बोलते बोलते ये भूल गए कि असली शिवसेना कौन सी है, पाकिस्तान भी जो जन समूह हमारे साथ है उसे देखकर बता दे। जनता को संबोधित कर रहे थे उद्धव ठाकरे और बोलते बोलते ये बोल गए, लेकिन इसके साथ ही जो उन्होंने आगे कहा वो उनके लिए मुसीबत बन गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को जो है वो मोतियाबिंद हो गया है, उनको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पाकिस्तान भी ये बात बता देगा जन समर्थन देकर कि असली शिवसेना किसकी है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है, पार्टी का नाम और निशान जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। जब से एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना गई है, तभी से उद्धव ठाकरे और संजय राउत पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में ये बयान उन्होंने दिया है। अब इस पर पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे ने ये कह दिया कि अगर असली शिवसेना का प्रमाण पत्र आपको पाकिस्तान से लेना पड़े तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे आज कितना दुखी हुए होंगे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बयानबाजी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं, बताया ये जा रहा है कि उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे के 9 और विधायक कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। तो बड़ी फूट जो है वो शिवसेना में है। एक तरफ उद्धव ठाकरे और संजय राउत खुशी मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें और एक बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है। वो भले ही असली नकली शिवसेना के लिए पाकिस्तान की बात करते हों, पाकिस्तान का जिक्र करते हों, लेकिन इस वक्त एकनाथ शिंदे उनके साथ एक बड़ा गेम खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी पहली बात मैं बताऊंगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कल जो अपशब्द निकाले गए कहाँ पर जलगांव में, वो बहुत ही निंदाजनक है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में, उनकी लोकप्रियता एक नंबर पर है। इसका हमें सभी देशवासियों को गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। लेकिन वैयक्तिक जो द्वेष भावना कल के भाष्य में दिखाई पड़ रही है, ये हमारे बाला साहेब ठाकरे जी की संस्कृति नहीं हो सकती है। ये जिनकी पैरों तले जमीन खिसक चुकी है वो ऐसी भाषा यूज कर रहे हैं, ये निंदाजनक है। ये इसका निषेध जितना करे उतना कम है। और इस राज्य में हमेशा संस्कृति, ये परंपरा जो उसका रखरखाव या उसकी मर्यादा का पालन हमेशा किया हुआ है, लेकिन वैयक्तिक आरोप करके मोदी जी के परिवार के बारे में और उनके बारे में जो अपशब्द कहे हैं, उनका तो परिवार पूरा देश है। ये देश की कि जितनी 150 करोड़ जनता उनका परिवार है। ये हम लोगों ने देखा है, जब उनकी माता जी का देहांत हुआ था, उन्होंने देहांत होने के बाद, अंत्यविधि होने के बाद तुरंत हमारी उन खुद की जिम्मेदारी को अहम महत्व दिया था, प्राथमिकता दी थी। ये लोग भूल गए हैं और इसलिए इनकी निंदा जितनी करे उतनी कम है। शरद पवार साहब का, शरद पवार साहब का जो बयान आया महाराष्ट्र की सियासत के लिए कैसे है, महाविकास अकाली के लिए? मैं इतना ही कहूँगा, आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है। उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसे उसमें गंभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतने मैं कहूँगा, जिनको जो सोचना है, समझना है वो समझना है।